वेलकम बैक। खबर आपको दें, ईरान से ताल्लुकात मामूल पर लाने का फैसला कर लिया गया है। वजारत खारजा को मिशन सौंप दिया गया। आला सतह पर रवाबत जारी। कौमी सलामती कमेटी और काबीना के फैसलों से ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफीर जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, खत्ते के ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद। ईरान से चंद रोज की कशीदगी के बाद ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशें जारी। हुकूमती ज़राए का कहना है, वज़ारत खारजा को ईरान से ताल्लुकात की बहाली का मिशन सौंप दिया। राब्तों और सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के लिए निगरा वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को टास्क दिया गया। फैसला काबीना और कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की रोशनी में किया गया। इजलास के फैसलों से ईरानी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। जल्द दोनों ममालिक के सफरा अपनी अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभालेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह रवाबित आज भी जारी रहेंगे। सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए नया तरीकाकार बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दिफा, दाखिला और खारजी अमूर के आला अफसरान की कमेटी बनेगी। हुकूमती सराय ने मजीद कहा, ताल्लुकात की बहाली की पेशकश ईरान ने की थी, जिसका पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।